Assalamualaikum guys, as you watching my YouTube channel MA Films, आज आपके लिए मैं Honda Insight 2022 मॉडल का रिव्यू लेके आया। इट्स एन न्यू मॉडल एंड रिसेंट बॉट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। चलते हैं गाड़ी की रिव्यू की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अकॉर्ड से और आप कह सकते हैं सिविक से मिलता जुलता इसका अकॉर्ड। जो इसकी सेकंड जनरेशन थी वो तो बिल्कुल इससे उल्ट थी, जैसे हमारे पास प्रियस आती थी टोयोटा की, उस तरह की शेप थी। बट इट्स अ थर्ड जनरेशन ऑफ इनसाइट और इसको फुल चेंज कर दी, इसकी पूरी आप कह सकते हैं इसकी फैमिली चेंज कर दी उन्होंने। होंडा और अकॉर्ड और होंडा सिविक के दरमियान में ये अब आती है होंडा इनसाइट। गाड़ी के अंदर हमारे पास 1500cc का हाइब्रिड इंजन आ जाता है, विच गिव्स ऑसम पावर, ऑसम फ्यूल एवरेज। हमारे पास 151 हॉर्स पावर आ जाती गाड़ी के अंदर और 267 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इतनी ज़्यादा टॉर्क, 267 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, इट्स आउटस्टैंडिंग। और इसी के साथ इसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, आपको ये 25 to 28 तक की फ्यूल एवरेज दे देती है गाड़ी। करते हैं अब इसकी बॉडी रेशियो के बारे में बात। एग्जैक्टली सेम जो हमारे पास सिविक के अंदर बॉडी रेशियो आ जाती, वही चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती। फ्रंट ऑफ ऑल वी विल गो टू इट्स हेडलैम्प्स। हमारे पास हेडलैम्प्स आप चेक कर सकते हैं, फुल्ली LEDs हेडलैम्प्स आ जाते हैं, इन विच एग्जैक्टली ये सिमिलर है हमारे पास कोड की तरह, जैसे हमारे पास क्रोम की लाइनिंग आ जाती बीच में। देन वी कैन सी द ह्यूज साइज ऑफ ग्रिल, जो हमारे पास एग्जैक्टली सेम अकॉर्ड में ग्रिल टाइप आती है, वही चीज़ हमारे पास इनसाइड में आ जाती है। कहीं से आप देख सकते हैं हमारे पास सिमिलरिटी अकॉर्ड के अंदर भी है और कहीं से सिविक के अंदर भी है। ये हमारे पास ग्रिल अकॉर्ड में ऐसी ग्रिल आती थी। इसी के साथ चलते जाएँ बम्पर वाली साइड पर। बम्पर में हमारे पास गाड़ी में आ जाते हैं LEDs लाइट्स, जिसमें हमारे पास LEDs का इस्तेमाल किया गया बम्पर लाइट्स के अंदर। खूबसूरत डे टाइम रनिंग लाइट्स दी जाती है और टर्न इंडिकेटर्स दिए जाते हैं गाड़ी के अंदर। नीचे हमारे पास रिडार्स और कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता फ्रंट पे। इट्स अ सिंपल कार, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास गाड़ी के अंदर, होना चाहिए था। यार इतने पैसे, सिविक से ज़्यादा अपडेट है तो इस सिविक वाले सारे फीचर्स होने चाहिए। सिविक में हमारे पास फ्रंट कैमरा अवेलेबल है, अब तो जो न्यू सिविक है उसके अंदर हमारे पास एडास के भी फंक्शन आ रहे हैं, बट क्या कह सकते हैं। चलते हैं गाड़ी की साइड पे। साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास 17 इंच के खूबसूरत इस टाइप के आपको अलॉयस उस गाड़ी में मिलते हैं, जो आपको फ्यूचरिस्टिक लुक दे रही होती है। ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं 17 इंच के अलॉय रिम्स, बहुत ही खूबसूरत, डायमंड कट भी नहीं कह सकते इसको मैं। क्रोम का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, पियानो ब्लैक का भी नहीं इस्तेमाल किया गया, हार्ड ब्लैक का इस्तेमाल किया गया और ग्रे सिल्वर का इस्तेमाल किया गया टायर्स के अंदर। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छी एक न्यू फील दे रहा है आपको कि एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज और इंजन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इट्स अ हाइब्रिड वेरिएंट। एंड लेंथ की बात करते हैं, जो गाड़ी एग्जैक्टली सेम जो सिविक की लेंथ है वही चीज़ हमारे पास आती है। बट बैक से हम देखते थे, बैक से हमारे पास लाइट्स आर सिमिलरिटी विद अकॉर्ड, अकॉर्ड से सिमिलरिटी है इसकी लाइट्स। बैक में आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें आ जाती है बहुत फुल्ली LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया बैक पे और हेलोजिन बल्ब इस्तेमाल किया गया हमारे पास इसमें इंडिकेटर्स में। चलो ये चीज़ यार होनी चाहिए थी ये भी LEDs में, बट हमारे पास लावा LEDs इस्तेमाल की गई, ये चीज़ अच्छी, मैं बाद में आपको ऑन करके देखता हूँ। पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल है बैक पे हमारे पास बम्पर पे, ये चीज़ अच्छी, और रिफ्लेक्टर्स भी अवेलेबल हैं साथ में। बैक पे बहुत खूबसूरत टाइप का हमारे पास स्पॉइलर अवेलेबल है, चेक करें, मेरा हाथ भी यहाँ से गुजर है, बहुत न्यू डिज़ाइन का आपके पास स्पॉइलर दिया जाता है गाड़ी के अंदर, ये चेक करें, एक बहुत अच्छी और शार्प लुक दे रहा है गाड़ी को बैक से भी। नीचे हमारे पास क्रोम की खूबसूरत लाइन बैक पे इस्तेमाल की गई, जो गाड़ी का लिप ख़त्म कर देती है कि गाड़ी यहाँ पे अब ख़त्म हो गई है। गाड़ी के रूफ़ की बात करते हैं, जो रूफ में हमारे पास सनरूफ नहीं दिया जाता, सिविक के अंदर सनरूफ दिया जाता है, बट इसके अंदर हमारे पास सनरूफ अवेलेबल नहीं है। इट्स ऑल्सो बैकग्राउंड लाइक आप कह सकते हैं ड्रॉप डाउन ऑफ दिस कार। हमारे पास ना इसमें फ्रंट कैमरा है, ना हमारे पास इसमें सनरूफ है, जो हमारे पास सिविक में अवेलेबल है, और एडास के फंक्शन भी इसमें अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट गुड। हमारे पास गाड़ी में कीलेस एंट्री है एग्जैक्टली सेम, जो हमारे पास ये चेक करें एग्जैक्टली सेम वाली हमारे पास कीलेस एंट्री गाड़ी के अंदर। ये हमारे पास इसकी इंटीरियर की लुक आ जाती है।
साइड डोर्स पे आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा सिमिलरिटी आप कह नहीं सकते सिविक से, इसका चेंज है लिटिल बिट। हमारे पास हैंडल डोर्स और ज़रा क्वालिटी सॉफ्ट प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया इधर हमारे पास इसी के साथ, यहाँ पे लेदर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे लेदर इस्तेमाल किया गया, अच्छा लग रहा है। और हमारे पास यहाँ पे बटन इस्तेमाल किए गए ज़रा हार्ड प्लास्टिक आपको फील देने के लिए, अच्छा हार्ड सी। यहाँ पे ट्रंक का ओपन का बटन आ जाता है। एग्जैक्टली इंटीरियर की तरफ चलते जाएँ, इंटीरियर हमें शेप दे रहा है लिटिल बिट सिविक से भी, एयर कोर्ट से भी मिलता जुलता है इसका इंटीरियर, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली। सीट की बात करते जाएँ, सीट पे हमारे पास सिक्स वे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सीट्स आ जाते हैं, बट लंबर कंट्रोल नहीं दिया जाता गाड़ी के अंदर, इतने फीचर्स होने के साथ लंबर कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन चले इलेक्ट्रॉनिक सीट्स दे दिए जो हमारे पास पाकिस्तान सिविक में नहीं दिया जाता, इट्स अ गुड। इंटीरियर की बात करते जाए, गाड़ी में इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत, मैं कह सकता हूँ इसको इंटीरियर सिविक से ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इसका इंटीरियर एकॉर्ड और सिविक से ज़्यादा अच्छा बनाया गया। गाड़ी के अंदर हर एक फीचर अवेलेबल है, एडास के फीचर्स अवेलेबल हैं, बट हमारे पास फ्रंट कैमरा अवेलेबल नहीं है, जो हमारे पास एडास वाला कैमरा है वो अवेलेबल है। चलें ठीक है, देख सकते हैं गाड़ी के अंदर एग्जैक्टली सेम वही वाला मीटर आ जाता है जो हमारे पास सिविक में आता है। इंटीरियर की बात करते जाए, सीटिंग कैपेसिटी की गाड़ी के अंदर सीटिंग देख सकते हैं, गाड़ी की कुशनिंग फैब्रिक प्लस लेदर का इस्तेमाल किया गया कुशनिंग के अंदर, और गाड़ी की सॉफ्ट कुशनिंग इस्तेमाल की गई, प्यारी है, अच्छी है। इसमें हमारे पास पैडल शिफ्टर भी हैं, एडास के फंक्शन, वॉइस कमांड और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का भी, लाइन कीपिंग और ऑटो ब्रेकिंग का सिस्टम दिया जाता है, और इसी के साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल, यहाँ पे पावर आउटलेट वगैरह, यहाँ पे हमारे पास मोबाइल होल्डर यहाँ पे आ जाता है इसमें। और गेट नो पास देख सकते हैं, इसकी बहुत सिमिलरिटी हुंडई सनाटा जैसी है, गेट्स आपके बटन वाले गेट आ जाते हैं ऐसे बटन वाले, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें एक नॉर्मल साइज़ की, एक ह्यूज साइज़ की एलसीडी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स की एलसीडी आ जाते हैं, एंड ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल विच इज़ डिजिटल, ये चीज़ अच्छी है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, हमारे पास ये आ जाते उसका बहुत अच्छी लुक देखें, एग्जैक्टली बहुत मजे की आपको फीचर, एग्जैक्टली जो सेम हमारे पास 11 जनरेशन में मीटर आ रहा है उस टाइप का मीटर दिया जाता है गाड़ी के अंदर। एक एनालॉग है और एक फुल्ली डिजिटल 5 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 7 इंच की, सॉरी 5 इंच की हमारे पास दूसरे वेरिएंट में आती है। इको मोड, हर एक फीचर इसमें, सबसे पहले एक बात अच्छी, इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है इस गाड़ी में बहुत से फीचर दिए जाते हैं, पार्किंग सेंसर, ऑन ऑफ का बटन, 360 व्यू का कैमरे का बटन यहाँ पर दिया जाता है हमारे पास, हर एक फीचर अवेलेबल, और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर बटन दिया जाता है। और देख सकते हैं फीचर हमारे पास आर्मरेस्ट अवेलेबल है, एग्जैक्टली जो हमारे पास एक्स में आता था आर्मरेस्ट, वैसा आर्मरेस्ट दिया जाता है इसमें गाड़ी के अंदर। इसी के साथ हमारे पास सॉफ्ट ओपनर नहीं दिया जाता यार, ये तो देनी चाहिए, सॉफ्ट ओपनर नहीं दी, यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया, अच्छी बेल्ट है, यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया, ये चीज़ अच्छी है, एक थोड़ी लग्जरी फील दे रही गाड़ी आपको। और गाड़ी के अंदर ट्यूटर्स का भी इस्तेमाल किया गया, ट्यूटर्स और एग्जैक्टली सेम वही शेप आ जाती है, लॉक एंड लॉक का बटन वहाँ पे भी दिया जाता है। रूफ़ की बात करते हैं, रूफ़ में हमारे पास देख सकते हैं आप, रूफ़ में हमारे पास आ जाता है लाइट विद मिरर, ये चीज़ अच्छी की है इन्होंने, लाइट यहाँ पे दे दी है, मोस्टली ऊपर दी होती है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है इसका सनग्लासेस होल्डर, और ये हमारे पास LED टॉर्च आ जाती है। सनरूफ अवेलेबल नहीं है गाड़ी के अंदर, लेकिन चलें होना चाहिए था। और ऑटो डिमिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है गाड़ी के अंदर, बहुत खूबसूरत मीटर है हमारे पास, मैनुअल वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके मोड्स आप देख सकते हैं, मोड हमारे पास स्पोर्ट, इको और EV मोड, पूरा इलेक्ट्रिक में चलेगी मोड, वो वाला भी मोड अवेलेबल है। गाड़ी के हेडरूम की बात करते हैं, जो गाड़ी में हेडरूम बहुत डिसेंट है, रीजनेबल हेडरूम है, और लेगरूम भी बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर। मैं बोल रहा हूँ आपको सेम एग्जैक्टली वही साइज है जो सिविक का हमारे पास 11 जनरेशन का आता है। चलते हैं गाड़ी की बात करते हैं आउट्स, पहले आपको मैं इसकी लाइटें वगैरह दिखाता हूँ, फिर इसकी बैक की बात करते हैं। लाइटें आप देखते जाए, इसकी बहुत खूबसूरत LED लाइट का इस्तेमाल किया गया, और इंडिकेटर्स आपने देखे फुली LEDs, फ्रंट पे इंडिकेटर दिए जाते हैं, बैक पे हमारे पास हेलोजिन इंडिकेटर्स दिए जाते हैं, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी है। बैक पे आपको दिखाता हूँ, तो
ब्लैक के लावा लाइट्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही जो खूबसूरत लगती है लावा लाइट वो वाली लावा लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। और इसी के साथ बैक में हमारे पास हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है विद दी LEDs बैक लाइट का। एक चीज़ बस हैलोजन दे दी बैक में हमारे पास के टर्न इंडिकेटर बैक पे हैलोजन है, बाकी हर चीज़ LEDs है गाड़ी के अंदर। चलते हैं गाड़ी की बैक सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। अब गाड़ी की एक हार्ड फील है, जर्मन कार जैपनीज कार है तो बहुत एक हार्ड फील जर्मन फील जैसी आपको कार के अंदर दी जाती है। चलते हैं बैक सीटिंग की बात करते हैं गाड़ी के अंदर। एग्जैक्टली इट्स सॉफ्ट कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया, फैब्रिक प्लस लेदर, यहाँ पे फैब्रिक इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे लेदर इस्तेमाल किया गया, कॉर्नर्स पे लेदर है एंड मिड पे फैब्रिक इस्तेमाल। गाड़ी की कुशनिंग बहुत मज़े की है, बकेट सीट्स टाइप फ्रंट पे थी हमारे पास, बैक पे हमारे पास अच्छी कुशनिंग दी गई, मैं आराम से जा सकता हूँ जहाँ पर भी मैंने इसमें जाना, कोई इतना टेंशन नहीं है। और लेग रूम भी रीजनेबल है, हेड रूम भी बैक पे अच्छा है मेरे पास, जो एग्जैक्टली फ्रंट से थोड़ा सा कम है लेकिन रीजनेबल है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ। और हमारे पास गाड़ी के अंदर ह्यूज साइज़ के एयरबैग्स अवेलेबल हैं, गाड़ी के अंदर 8 एयरबैग्स दिए जाते हैं विच इज़ ऑसम। कुशनिंग मुझे बहुत पसंद है, बैक पे भी AC वेंट हमारे पास आ जाते हैं एग्जैक्टली, बट सनरूफ की कमी मुझे अभी भी महसूस हो रही है। 7.5 million to 8 million आपने खर्च करना है और आपके पास सनरूफ नहीं है यार, ये चीज़ है मुझे। दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच इज़ लुकिंग ऑसम। साइड मिरर्स आप देखते थे एग्जैक्टली हमारे पास वही शेप है जो हमारे पास एक्स में आती थी, सिविक एक्स में। कुशनिंग गाड़ी की बहुत सॉफ्ट कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया, एक कंफर्ट फील आपको दे रहा है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर हमारे पास बैग्स डोर के स्टोरेज में एक छोटी वाटर बॉटल आ जाएगी, थोड़ा सा बॉयलर ड्रॉप वगैरह रख सकते थे, लेकिन बैग पे भी सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये चीज़ खा गया। सिविक में हमारे पास सॉफ्ट प्लास्टिक का बैक डोर पे इस्तेमाल किया जाता है, बट इधर फिलहाल हार्ड प्लास्टिक इस्तेमाल कर दिया, हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पर लेदर इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी सॉफ्ट प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहिए जिसका जो एग्जैक्टली फ्रंट पे होता है। चलते हैं गाड़ी की स्टोरेज बूट स्टोरेज की बात करते जाए, गाड़ी के अंदर बूट स्टोरेज कैसे है, एक हार्ड फील है गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा। बूट ओपन करने के लिए हमारे पास ये इसकी कीज़ आ जाती है, बहुत ही अच्छी डिसेंट ब्लू लोगो वाला बैग पे कि आपको हाइब्रिड फील करा रहा है। ऑल टू ओपन द बूट, ऑटो बूट नहीं दिया जाता हमारे पास, खुद खोलना पड़ेगा बूट यार। लेकिन ये सीबी 11 जनरेशन की तरह फुल कवर हमारे पास बूट आ जाती है विद विच इज़ दिस इज़ ऑल्सो कवर एंड दिस ऑल इज़ कवर। गाड़ी के अंदर ह्यूज साइज़ की बूट स्पेस आ जाती है एग्जैक्टली जो हमारे पास सिविक में आती थी, वैसे ही हमारे पास बूट स्पेस ह्यूज साइज़ की बूट स्पेस दे दी है। और इसी के साथ हमारे पास स्पेयर व्हील नहीं दिया जाता गाड़ी के अंदर, ये काम इन्होंने ख़त्म कर दिया, स्पेयर व्हील नहीं दे रहे गाड़ी के अंदर। और अगर हम इसको और बड़े बैग रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से पुल करके सीट्स तो और बड़े बैग रख सकते हैं इसके अंदर। ऑटो बूट इस्तेमाल नहीं की गई 80 लाख की गाड़ी के अंदर, धक्के से बंद करो गाड़ी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। दिस इज़ द रिव्यू ऑफ होंडा इनसाइट, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इफ़ यू वॉन्टेड टू सी न्यू कार्स इन माई वीडियोज़, थैंक यू।